नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आप स्वीट हार्ट नेक लाइन में ब्रा कट कटोरी की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी कटोरी है, इसकी ये जो ये देखिए नेक लाइन है, तो ये स्वीट हार्ट हमारी नेक लाइन है और ये ब्रा कट कटिंग है। ये कैसे कटिंग होती है और इसकी कैसे स्टिचिंग होगी और इस प्रकार से नीचे जो इसकी क्रॉस पट्टी जॉइंट होगी, जॉइंटेड लगेगी, वो कैसे लगेगी, और बैक साइड ओपन होगा तो वो हम कैसे उसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको ये दो साइज में बताऊंगी, अभी 34 साइज की मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे, ब्रा कट कटोरी ब्लाउज की कटिंग और उसकी जो मेन आपको ब्रा की कटिंग यहाँ पे बता दूंगी, स्टिचिंग भी बता दूंगी। उसके बाद के जो पार्ट्स है वो आप खुद स्टिच कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से पूरा ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ। तो आइए समझ लेते हैं ब्राकेट कटोरी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की 13 प्लस हाफ इंच है और 14 इंच ले रही हैं, और बैक साइड की और फ्रंट की मैं दोनों आपको एक साथ में ही बता दूंगी। यहाँ पे मैं 5.5 इंच जो है वो शोल्डर ले रही हूँ 34 साइज में, और यहाँ पे मैं नेक का जो विड्थ है वो ले रही हूँ 2.5 इंच की, ठीक है, 2.5 इंच नेक विड्थ और 5.5 इंच शोल्डर है। जो हमारी स्वीट हार्ट नेक लाइन है यहाँ पे वो हमारी होगी 7.5 इंच की, ठीक है। अब हम आप इसे कम भी को रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको इतना ही रखें, आप 6.5 भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये हम आगे के पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं, और बैक साइड के पार्ट्स की भी कटिंग यही होगी बिल्कुल नॉर्मली में, क्योंकि बैक साइड पार्ट्स में भी हम यही शोल्डर लेंगे, यही नेक विड्थ लेंगे, यही हम आर्म होल लेंगे 6 इंच और 1/4 इंच का, ऐसे ही हम यहाँ पे बैक साइड पे भी शेप लगाएंगे और आगे में भी शेप लगाएंगे, यहाँ तक मेजरमेंट बिल्कुल बराबर आएगा। अब यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा हमारा, आगे के पार्ट्स के लिए 8.5 इंच, कमर है हमारी 29 तो हो गया 7.5 प्लस 1/2 इंच 8.5 इंच। आगे के पार्ट्स में भी 1/2 इंच हुक और पट्टी अटैच करने के लिए, बैक साइड के पार्ट्स में 1/2 इंच डार्ट लगाने के लिए, जो हमारी प्लेट्स लगाते हैं वो होती है। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहीं पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब आप फिटिंग पॉइंट को, मार्जिन पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दीजिएगा। अभी तक जितना मैंने मेजरमेंट बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप बैक साइड पार्ट्स कटें, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे का पार्ट्स कटिंग करें। नेक जो विड्थ इतनी होती है, नेक यहाँ पे डाउन बैक साइड का आप 8 इंच 9 इंच रख सकते हैं, और आगे का हमारा जो मैंने 7.5 किया आप 6.5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आगे के पार्ट्स के लिए हम 1/4 इंच रखेंगे और बैक साइड के पार्ट्स के लिए हम 1/4 इंच रखेंगे, बस ये इतना ही फर्क होता है। आगे के पार्ट्स में हम ये वाली जो है यहाँ पे लगाएंगे हाफ सेंटर तक फिटिंग पॉइंट से, इस प्रकार से ये पॉइंट मिलाते हुए, और इस प्रकार आप मिला दीजिएगा, ये हमारा आगे का पार्ट्स हो गया है, ठीक है। बैक साइड के पार्ट्स में ये इस प्रकार से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा होता है, वो भी यही फिटिंग पॉइंट से ही होता है। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉइंग समझा दिए, इतना ही चेंजिंग होता है। बैक साइड में पार्ट्स में ये ड्रॉइंग होगी, आगे के पार्ट्स में ये वाले ड्रॉइंग होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक लाइन बना लेते हैं। स्वीट हार्ट नेक लाइन मैंने कुछ इस प्रकार से देखिए ड्रॉ किए हैं, इस प्रकार से नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा सा डीप ले लेते हैं, जैसे ऊपर में 2.5 इंच है तो यहाँ पे आप 3 या 3.25 ले सकते हो, फिर आप इसको ऐसे थोड़ा राउंड शेप में दे सकते हो, आप चाहो तो चौड़ा भी रख सकते हो। मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा फिर कंट्रोल में कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा जो है इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। हमारी स्वीट हार्ट नेक लाइन हो गई है। अब हम यहाँ पे जो हमारी जैसे कटोरी की कटिंग करते हैं चेस्ट का थर्ड भाग, वैसे ही यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिया बिल्कुल पूरा 1.25 इंच होता है चेस्ट का थर्ड भाग, यहाँ पे हमने लिया है 11 इंच, ठीक है। अब 11 इंच भी हल्का सा नीचे ही होता है, वैसे आप 1.25 पूरा ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी सिलाई ज्यादा हुई ना, आप सिलाई की ज्यादा करते हो तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे आप 1.25 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमें देखो आगे का पार्ट्स ऑफ रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और ये हमने इसको ऐसे कर लिया है। अब यहाँ से हम पहले 1/2 इंच की जो शेप लगाएंगे, तो आप यहाँ से नाप लीजिए कि 1/2 इंच कहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो आपको इसको यहाँ से गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये जो राउंड शेप लगाते हैं ना हम अपनी,
कटोरी की ब्लाउज में लगाते हैं, बेल्ट के ब्लाउज में भी, सभी में लगाते हैं। ये हो गया है। अब हम यहाँ से कटोरी की जैसे जस्ट वही मेजरमेंट अभी काम में लेना अभी तक जो हम लेते आए हैं कटोरी के ब्लाउज में, जो मैं आपको सिखाती हूँ। 5.25 इंच यहाँ से भी आप लेंगे, ड्रॉ करेंगे 5.25 इंच। और ये जो नेकलाइन है यहाँ से आप ले लीजिएगा 34 के अकॉर्डिंग 3 इंच, ठीक है, 3 इंच या फिर 3.25 इंच। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई है, ठीक है। अब ये आप जांच लीजिएगा कि आपकी 2 इंच है ना, यहाँ पे कुछ 2 इंच से ज्यादा ही, यानी कि 2.25 इंच। ये देखे, ये 2.25 इंच है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा हो सकता, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी अब कटोरी है, इस फरमे को हम निकाल लेंगे, फिर मैं आपको इस फरमे से और वो कटोरी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पार्ट्स को अलग करेंगे, नेकलाइन को निकाल देंगे, ये पार्ट्स हम अलग करेंगे, और ये जो फरमा ना इसकी मैं आपको ब्रा कट कटिंग बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको कपड़े पेस की कटिंग और स्टिचिंग साथ में दिखा दूंगी, ठीक है। बेक साइड का पार्ट्स बेक साइड की शेप के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा, आगे का पार्ट्स आगे के शेप के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। अभी हमारे नीचे की क्रोस पट्टी होंगी, ठीक है, ये वाली। और क्रॉस पट्टी में आपको कितना एक्स्ट्रा लेना वो मैं आपको पहले बता दूं, क्रॉस पट्टी में आपको एक्स्ट्रा लेना होगा क्रॉस पट्टी की सिलाई का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे, ये हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो है ब्राकेट कटोरी की कटिंग करना बताती हूँ। यहाँ पे हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल बराबर में। यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि इस कटोरी को हम इस दाएं कटोरी को बाएं में जोड़ेंगे, बाएं कटोरी को दाएं भाग में जॉइंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1/4 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा ले लिया है। ये जो एक्स्ट्रा लिया है ना, ये किसके लिए आपको बता देती हूँ फिर से, सिम के लिए, ठीक है। अब हमें इसको कितना एक्स्ट्रा लेना है ब्राकेट के लिए, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे इसको 1.5 इंच सिम का, नहीं सॉरी 1.5 इंच ब्राकेट कटिंग का, 1 इंच सिम का, समझ गए आप। फिर मैं आपको समझा दूंगी, अगर नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं, फिर समझा दूंगी। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये जो 2.5 इंच का पॉइंट है इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। दोनों साइड में हमने कितना लिया पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पे इसकी जो कितनी चौड़ाई है 6 इंच हो रही है लगभग, यहाँ से भी आप 6 इंच इसकी बराबर में, क्योंकि हमारी कुछ भी लेंथ या चौड़ाई एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। यहाँ से भी बिल्कुल बराबर ले लिया और यहाँ से भी इसको बिल्कुल बराबर मिला दिया, हो गया। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे वो किस लिए, सिलाई के लिए, सिम के लिए। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का पूरा राउंड जो है यहाँ पे आप कर दीजिए, ये हमारा 1/2 इंच का यहाँ पे हो गया। इस तरफ जैसे ही नेक का जो लाइन जा रहा है ना वैसे ही हमें इस ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये 1/2 इंच की लाइन खींच दिए और इसको बराबर में आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये जो मैं एक्स्ट्रा भी ले रही हूँ ये सिर्फ सिम का यानी सिलाई का होगा, ठीक है। अब आपको हमें ब्राकेट यहाँ पे कटिंग करनी है। ब्राकेट कटिंग के लिए यहाँ से मैं नीचे से 1.5 इंच छोड़ दूंगी, ये मैंने नीचे से 1.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच पे आप यहाँ से पॉइंट लगाएंगे। और इस तरफ से जो हमारी आर्मोल की तरफ होती है वहां से आप जैसे हम नीचे से इसका टोटल जांच लेते हैं, जैसे 10 इंच है तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे ये पॉइंट लगा देते हैं, 3.5 इंच को, और आप इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये हमने मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था ना, ये वाला अब नीचे वाला को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो ये देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये 1 इंच लिया था सिम का, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप 1/4 इंच ये इस तरफ से और ये 1/4 इंच इस तरफ से, ये देखिए आप इंची टेप में टोटल कितना यहाँ पे 1.5 इंच है, 1.5 इंच के अंदर अंदर यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देना है दोनों। फिर यहाँ पे भी वैसे ही हमें 1/4 इंच इस ऊपर के तरफ में, 1/4 इंच फिर नीचे की तरफ से भी टोटल 1.5 इंच में यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो दोनों है 1.5 इंच में मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका सेंटर निकाल लो, ये जो टोटल लाइन है वो है 7 इंच की, तो इसका सेंटर हो गया ये 3.5 इंच पे, सेंटर बिंदु हो गया। अब इस सेंटर बिंदु में आपको इस पॉइंट को मिलाना है, पहले 1, फिर ये वाला हो गया आपका 2, फिर आपका ये वाला पॉइंट होगा, जो 1/4 इंच के हमने ये जो मिडिल सेंटर है ना इससे जो 1/4 इंच के ऊपर नीचे पॉइंट लगाए उनको ऐसे मिला देना है इस बीच के सेंटर पॉइंट में, मिला दिया है टोटल, देखिए ये बन गया ना हमारा ग्राफ। अब आप
आपको लास्ट में बता दूंगी ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा सिम का कि कौन सी सिम चाहिए, किस लिए चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे हम अब इसकी जो कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी जो यहाँ से जो ड्रू है ना, बिल्कुल आगे के साइड में बिल्कुल भी सिलाई के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, वरना कटोरी में लूजपन का वगैरह वगैरह ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी से मैं आपको कपड़े पे कटिंग करना भी बताऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी इसी में साथ में बता दूंगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब ये हो गया हमारा फर्मा कटिंग यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका ओरिजिनल मेजरमेंट निकालेंगे। अब आप इसकी देखिए, यहाँ पे ऐसे करते हुए इसको हल्का सा राउंड में, और आप इसकी ऐसे कटिंग कर लीजिए। कट गया है, नीचे के कट में आपको ये वेस्टेज जो निकाल देना है, और ये वेस्टेज आपको यहाँ पे निकाल देना है। दोनों वेस्टेज हमने निकाल दिए हैं, यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई ले लेनी है। हो गया है। अब देखिए ये पार्ट्स हमें इस पार्ट्स में ऐसे जॉइंट करना है, ठीक है। देखिए अब बहुत ही अलबेला सा लग रहा है, पार्ट्स पर आप जॉइंट करेंगे तो आपको ऐसे कटोरी के टाइप में मिल जाएगा। तो अब देखिए आपको नापना होगा, यहाँ से जांच कर लेना होगा कि ये पार्ट्स है जो इसका आपका कितना है। तो ये पार्ट्स आपका यहाँ पे 7.5 हो गया है, 7 से 7.5 हो गया है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये पार्ट्स हमारा कितना है। तो ये पार्ट्स हमारा यहाँ पे 7.25 है, तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच इस तरफ में इसको एक्स्ट्रा लेना होगा। किस तरफ में? ये जो ऊपर की साइड होगी ना, राउंड की साइड, गोलाई की, वहां पे आपको इसको 0.25 इंच बढ़ा लेना होगा। तो मैं आपको कपड़े पे इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, ये हमारी नेकलाइन वाली साइड है तो बिल्कुल ओके है। और इसको नीचे वाले पार्ट्स को भी मैंने बराबर में कटिंग है। यहाँ से हल्का सा हमने इसको राउंड शेप लगा देना है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे गोलाई दे दे, 1/4 इंच की है मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ज्वाइंट करने का तरीका बताऊंगी कि जो हमारी कटोरी होती है उसको हम कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये आप इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कीजिएगा, ठीक है। ये जो पार्ट्स था ना, इसको हम इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेते हैं। छोटे वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पे ऊपर रखते हुए, और इसको जो 1/2 इंच की मैंने सिलाई, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिम के लिए, वो यहाँ पे हमारा एड कर दिया है। आपको याद होगा मैंने 1.5 इंच कटिंग का और 1 इंच सिम का इसी पार्ट्स में एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 इंच टोटल एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे टोटल ऐड हो गया है 1.25 इंच, 1.5 इंच कटिंग में चला गया है और 1 इंच की हमने यहाँ पे सिम कर दी है। तो ये देखिए, ये हमारी कटोरी इस प्रकार से बन जाएगी। जैसे ये 1 साइड की है ना, वैसे ही हम दूसरे साइड वाली भी ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारी ब्रा कट कटोरी की जो स्टिचिंग हो गई है, कटिंग का मैंने स्टेप बताया। आप क्या करें, आप इसको सीखने के लिए पेपर पे ज्यादा से ज्यादा कटिंग करें, और स्टार्ट में जो मैंने पेपर की स्टिचिंग बताई थी वैसे आप स्टिचिंग करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप सीख पाएंगे। ये मैंने दूसरी कटोरी भी वैसे ही स्टिच कर ली है जैसे मैंने पहले की थी। और देखो, जो मैंने यहाँ से बीच से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना आगे से, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आगे से मैंने नेक लाइन के पास से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो सिम के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों जोड़ ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमारी कटोरी है, इस प्रकार से हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने जो है सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ज्वाइंट कर लीजिए, और फिर आप नीचे का पार्ट्स और साइड के तीरे के पार्ट्स जो है वो भी ज्वाइंट कर लीजिएगा। ये देखिए आप, तो अब देखिए ये हमारी ऊपर का जो तीरे का पार्ट्स है उसको मैंने यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और अब आप ये देखिए, ये हमारी नीचे की क्रोच पट्टी है, उसको मैंने जॉइंट के लिए सिम के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब ये तो आप कटिंग तो यहाँ से करेंगे, ठीक है, आप कटिंग तो यहाँ बिल्कुल बराबर करेंगे, नीचे से आपको एक्स्ट्रा ले लेना है जितने आपको सिम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिम के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये हमारी वो दोनों कटोरी है जो की हमने यहाँ पे अभी आपको जॉइंट करके दिखाई है। तो ये देखिये, यहाँ पे दोनों जॉइंट हो चुके हैं। ब्राकेट ये हमारी जो कटिंग है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे हमारे इस पार्ट्स में जॉइंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी आपको ये बड़ी दिखाई दे रही है, जब हम जॉइंट करेंगे तो ये बिल्कुल सही और परफेक्ट यहाँ पे जॉइंट होगी। कैसे जॉइंट होगी,
तो लीजिए देखिए, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी पार्ट्स ऐसे जॉइंट होगा, सीधी सिलाई है, जिस जैसे कि मैं आपको कटोरी का ब्लाउज बना के बताती हूँ। अब इसी प्रकार से मैं आपको इसको ये पार्ट्स भी यहाँ पे इसको आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये पार्ट हमारा इस तरफ में अटैच होगा। ये होगी हमारी दोनों पार्ट्स, आपने देखे हैं, मैंने आपको स्टिच करके भी दिखा दिया। और ये जो वाला पार्ट्स है हमारा, इस प्रकार से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप जो है इस पार्ट्स को यहाँ पे स्टिच कीजिए। आप चाहे तो आप यहाँ पे जो है वो लेस वगैरह लगा सकते हैं बीच में, अगर आप चाहे तो। कैसे लगाएंगे, आपकी ये जो सिलाई है ना, इसको आप इस प्रकार से चीर लीजिएगा ऐसे, और फिर आप यहाँ पे ऐसे कोई भी लेस ऐसे स्टिच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी सिलाई चिर जाएगी, मतलब ये दोनों इस तरह हो जानी चाहिए। फिर आप इस पे कोई भी लेस यहाँ पे बीच में मिडिल सेंटर पे स्टिच कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो, आपको पसंद हो तो। तो इस प्रकार से आप जो है अपना ब्लाउज बनाइएगा, और इसी को हम जो है ब्रा कटिंग बोलते हैं। अगर आपको मेरी कटिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।